I think that this project has been specifically designed keeping end users in mind. ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड साइज है, 3000 स्क्वायर फीट, जस्ट लाइक आपका प्रिवाना और आर्बर की तरह एक ही टाइप की, यू नो, यहाँ पे जेंट्री रहेगी, एक ही टाइप के लोग रहेंगे. जब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा गाइज, अगर आप 5 साल पहले यहाँ पे आए होते, ठीक है, SPR रोड पे, तो और आज आ जाओगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में फ़र्क मिलेगा. तो उसी तरीके से 5 साल बाद तो ये एरिया और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा. सो दिस इज दैट एरिया ऑफ गुड़गांव गाइज, जो मुझे लगता है एमर्जिंग माइक्रो मार्केट में, जहाँ पे आज की डेट में हैबिटेशन, लिवेबिलिटी, वो सारी चीज़ें ना आपको द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, उन सारे एरिया से मे बी थोड़ी सी आपको बेटर मिलेंगी. हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय. और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक प्रोजेक्ट रिव्यू के साथ. ठीक है, इस प्रोजेक्ट की साइट पे मैं क्यों आया हूँ, बिकॉज पिछले 2-3 महीने से मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में मल्टीपल लोगों से अच्छी बातें सुनी हैं. काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रोजेक्ट परचेज भी किया है. ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जिस माइक्रो मार्केट में है, SPR रोड पे, उस माइक्रो मार्केट में मुझे खुद भी आने वाले टाइम के हिसाब से बहुत पोटेंशियल दिखता है. तो गाइज, आज मैं आपको मिलने आया हूँ ट्यूलिप क्रिम्सन की साइट पे, जो कि आपका है सेक्टर 70 में. ठीक है, मेरे राइट में, यहाँ से हार्डली 100-200 मीटर दूर आपकी, यू नो, SPR रोड है. इसी SPR रोड के दूसरी तरफ आपका DLF अल्मेडा भी है, वहीं पे सिग्नेचर की भी टाउनशिप है, वहीं पे आपका, यू नो, इसी रोड पे आगे जाके आपका ट्यूलिप का, सॉरी कह रहा हूँ, ट्यूलिप का तो 6970 में है, बट इसी रोड पे, SPR रोड पे आगे जाके आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस भी है. यहीं पे 125 एकड़ की DLF की डेवलपमेंट आने वाली है. CPR रोड भी यहीं पे है. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज, रिसेंटली GMDA ने अनाउंस किया था कि वाटिका चौक से लेके CPR रोड तक पूरी एक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, ताकि इस एरिया को, यू नो, हैसल फ्री मूवमेंट ट्रैफिक की मिले. ठीक है, तो उस लिए भी ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है. सेक्टर 70 जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, इसके बिल्कुल साथ में ही गाइस, सेक्टर 69 को ना आप ट्यूलिप सेक्टर ही कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ट्यूलिप ग्रुप के, यू नो, ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं. यहीं पे पीछे आपका रीच का भी कमर्शियल है, एलान का भी कमर्शियल है, एक दो और कमर्शियल भी बन रहे हैं. वाटिका चौक भी आपका पास में है, पीछे आपका BPDP की पूरी टाउनशिप है. सो दिस इज दैट एरिया ऑफ गुड़गांव गाइज, जो मुझे लगता है एमर्जिंग माइक्रो मार्केट में, जहाँ पे आज की डेट में हैबिटेशन, लिवेबिलिटी, वो सारी चीज़ें ना आपको द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, उन सारे एरिया से मे बी थोड़ी सी आपको बेटर मिलेंगी. अब हम गाइस चलते हैं यहाँ पे, यू नो, इनकी सेल्स गैलरी के अंदर एक सैम्पल फ्लैट भी बना हुआ है, प्रोजेक्ट का पूरा मॉडल भी बना हुआ है, उस पर चल के हम प्रोजेक्ट की और डिटेल लेते हैं, आपको सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं, फिर हम आपको पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिव्यू देंगे. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ट्यूलिप ग्रुप के क्रेडेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कवरिंग अ प्रोजेक्ट बाय दिस ग्रुप. मिस्टर प्रवीण जैन ने 2005 में ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह स्टार्ट करी थी. ठीक है, उसके बाद इन्होंने सोनीपत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, गुड़गांव में पटौदी रोड पर ट्यूलिप एस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फिर उसके बाद सेक्टर 69 और 70 में 2010 से 2020 तक बैक टू बैक इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए. टोटल यहाँ पे इन्होंने 66 एकड़ की डेवलपमेंट कंप्लीट करी है, जिसमें कि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट है, यू नो, आपका ट्यूलिप पर्पल, ट्यूलिप आइवरी, ट्यूलिप येलो, ऑरेंज, यू नो, वाइट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इनके. बाद में 2 प्रोजेक्ट और भी आए थे, वो भी अब इनके ना डिलीवर हो चुके हैं. दे आर नोन फॉर डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम और बिफोर टाइम. ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक स्ट्रेस प्रोजेक्ट गोल्फ कोस्ट रोड पे ट्यूलिप मॉन्सेला, पहले विपुल ग्रुप का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट भी इन्होंने उठाया है. तो ना, लग्जरी सेगमेंट में दिस इज गोइंग टू बी देयर सेकेंड प्रोजेक्ट. पहला प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवरी का बहुत अच्छा है.
तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिस पे कि आप भरोसा कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग ना इस प्रोजेक्ट के मॉडल के ऊपर खड़े हुए हैं, जिसमें कि हम पूरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइज दिखाया हुआ है इन्होंने 60 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है, और 60 मीटर के साथ में यहाँ पे ना 24 मीटर रोड भी है। तो 24 मीटर रोड पे काफ़ी बड़ा फ्रंट लगता है। जैसे एंट्री आपकी 60 मीटर से ही है, एक आपकी 24 मीटर से ही होगी। ठीक है, एंटर करने के साथ ही गाइज सबसे पहले ना इनका यहाँ पे 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। उस क्लब के अंदर आजकल जो भी आप मॉडर्न एमिनिटीज़ यू नो किसी भी क्लब में एक्सपेक्ट करते हो, आपका यू नो कार्ड से लेके स्विमिंग पूल से लेके आपका लाउंज से लेके वो सारी चीज़ें यू नो बार वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। एक आपको टेम्परेचर कंट्रोल पूल भी मिलेगा, एक आपको ओपन पूल भी मिलेगा, और उसके अलावा यहाँ पे ना उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक पार्टी लॉन भी बनाया हुआ है जिसमें यू नो आप अपना कुछ गैदरिंग्स वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आगे आएंगे तो आगे आके ना यहाँ पे इन्होंने एक ना पूरे प्रोजेक्ट में ना अलग अलग जगह ब्लू वाटर बॉडीज दी हैं थोड़ा पॉजिटिविटी देने के लिए, और एक इन्होंने ना अच्छा जॉगिंग ट्रैक वॉकिंग ट्रैक सा बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप वॉक कर सकते हो, थोड़ा आसपास की अपने यू नो नेचर को आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम और आगे आते हैं ना तो इनका पीछे वाली साइड में अगर हम देखते हैं तो एक इनका ब्लॉक है जहाँ पर इन्होंने सारी की सारी ना आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, जिसमें कि आपकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका बैडमिंटन भी है, यहाँ पे आपका टेनिस भी है, बास्केटबॉल भी है, क्रिकेट पिच भी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको यू नो बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया, लॉन्स, वो सारी चीज़ें भी बिल्डर आपको यहाँ पे देगा। व्हाट दे आर क्लेमिंग इज 60-65% यहाँ पे आपका यू नो ओपन एरिया रहेगा। तो गाइज यहाँ पे ना हमारी कन्वीनियंस के लिए बिल्डर ने यहाँ पे स्लाइड बना रखी है, इस पर हम लोग साइट प्लान और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे गाइज 5 टावर हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी और ई। ठीक है, अभी डी और ई टावर इन्होंने लॉन्च नहीं करे हैं। ठीक है, पहले 3 टावर में 95% इनका माल ऑलरेडी सोल्ड आउट है। साइज इनका एक ही है, 3050 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट रूम। ठीक है, अभी हम चल के सैंपल भी इनका देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हो गया, क्लब के आगे आपका पार्टी लॉन हो गया, पार्टी लॉन के साथ यहाँ पे कुछ आपका वाटर बॉडीज हो गई, आपका जॉगिंग ट्रैक हो गया, वॉकिंग ट्रैक हो गया, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया हो गया, उसके बाद आपकी यहाँ पे पीछे सारी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गई। ठीक है, तो उसके अलावा गाइज ओवरऑल ना काफ़ी ग्रीनरी पे इन्होंने आजकल जो एक बजवर्ड है लग्जरी में यू नो ओपन एरिया ग्रीन एरिया वो सारी चीज़ें जो भी आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको सारी यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, एमिनिटीज़ की अब हम लोग चलते हैं, अब हम यहाँ से सैम्पल फ्लैट देखते हैं और उसके बाद फिर हम आपको प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिव्यू। अभी हम लोग ट्यूलिप क्रिम्सन के सैंपल फ्लैट पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे 3050 स्क्वायर फीट में बिल्डर आपको 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम प्लस आपका स्टडी एरिया देता है। ठीक है, जो भी आप एक स्पेसिफिकेशंस में चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन बिल्डर आपको यहाँ पे ऑफर कर रहा है। मतलब प्रीटी मच एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम वार्डरोब्स एंड फॉल सीलिंग इज व्हाट द बिल्डर इज ऑफरिंग यू। अगर आप आगे आके देखेंगे तो मैं आपको यू नो पूरा फ्लैट अच्छे से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइज ये आपका लेफ्ट हैंड पे ये आपका है सर्वेंट रूम, काफ़ी अच्छे साइज का है, 9x12 का। पीछे आपका बैल्कनी से ये आपका उधर भी आपका कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप वापस आएंगे तो वापस आके गाइज अभी हम लोग ना मेन अपार्टमेंट में अभी हम लोग देखते हैं आके। तो यहाँ पे ना गाइज आपका ये आपका लिविंग डाइनिंग काफ़ी अच्छे साइज का है। इधर आपका लिविंग एरिया हो गया, इधर आपका पूरा यू नो अच्छे से इन्होंने डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। उसके बाद अगर आप पीछे की तरफ मूव करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा पाउडर रूम। पाउडर रूम से आपको देखेंगे तो पाउडर रूम से अगर आप आएंगे तो वापस आके आपको दूसरे वाला पहला आपको गेस्ट बेडरूम दिखेगा। ठीक है, इस गेस्ट बेडरूम के पीछे भी आपकी बैल्कनी है जो कि आपका ड्राइंग रूम से भी आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप वापस आएंगे, वापस आके अगर आप आगे बढ़ेंगे
तो घर की तरफ, हाँ आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका लेफ्ट में आपका डाइनिंग एरिया हो गया जी, ये हमने आपको पहले भी दिखाया था। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड पे गाइस काफी अच्छे साइज की इन्होंने आपको किचन दी है, जो कि आपकी फुल्ली लोडेड किचन है, जिसमें आपको ना हॉब, चिमनी, अप्लायंसेस, ये जितनी चीजें आपको यहाँ पे लगी हुई दिख रही है ना, ये सारी की सारी चीजें बिल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। उसके बाद गाइस अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड पे ये इनका आप देख सकते हैं सेकेंड बेडरूम है, इसके पीछे भी बैल्कनी है और साथ में आपका बाथरूम भी आपका बना हुआ है। उसके बाद गाइस आप ये देखेंगे ये आपका फोर्थ बेडरूम है, ये थोड़ा सा छोटे साइज का बेडरूम है बाकियों के मुकाबले, इसके साथ भी आपका अटैच टॉयलेट है, पीछे आपकी बैल्कनी है और इधर आपका लेफ्ट में आपका वार्डरोब भी आपका बना हुआ है। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपको दिखेगा गाइस काफी अच्छे साइज का इन्होंने यहाँ पे ना स्टडी एरिया भी अलग से दिया हुआ है, इसको आप स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस भी बना सकते हैं, बार, डीवीडी रूम कुछ भी आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं। एंड नाउ गाइज वी आर एंटरिंग द अमेजिंग 18x12 मास्टर बेडरूम। ठीक है, मास्टर बेडरूम अगर आप देखेंगे ना बहुत ही अच्छे साइज का यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब इतना बड़ा मास्टर बेडरूम, मतलब आई रियली विश कि मेरे घर में भी इतना बड़ा मास्टर बेडरूम हो। और इसके साथ में ना गाइज अगर आप देखेंगे बाथरूम में जाके तो जिस टाइप स्टाइल की इन्होंने टाइल्स और जैसे इन्होंने बाथरूम फिटिंग्स वगैरह यूज़ करी हैं, ये भी ना मतलब काफ़ी अच्छी मेरे को ये आपकी चीज़ें यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लगी। तो गाइज ओवरऑल मतलब ना काफ़ी अच्छे रूम साइजेस, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ों के साथ ये आपका ट्यूलिप क्रिम्सन का सैंपल फ्लैट है। गाइज अगर मैं इस प्रोजेक्ट का आपके लिए एक ओवरऑल रिव्यू करूँ ना, तो मेरे को इस प्रोजेक्ट में दो तीन चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है, और उसके अलावा एक दो ही मेरे को यहाँ पे चैलेंजेस लगे, कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई थिंक दैट दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन स्पेसिफिकली डिजाइंड कीपिंग एंड यूजर्स इन माइंड। ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड साइज है 3000 स्क्वायर फीट, जस्ट लाइक आपका प्रिवाना और आर्बर की तरह एक ही टाइप की यहाँ पे जेंट्री रहेगी, एक ही टाइप के लोग रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा पहले भी मैं बता चुका हूँ 3050 स्क्वायर फीट में आपको कारपेट एक्सक्लूडिंग बैल्कनी 1800 समथिंग मिल रहा है, इंक्लूडिंग बैल्कनी 2200-2300 स्क्वायर फीट मिल रहा है। सो दैट मेक्स इट अ वेरी गुड कारपेट एरिया, यूजेबल एरिया। मास्टर बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा है, मे बी और बेडरूम के साइजेस 13x11 मतलब ना ठीक है, आज के टाइम में 13x13 के ही साइजेस आपको मिलते हैं। उसके अलावा स्टडी रूम भी आपको मिल रहा है, आपका जो क्या कहते हैं ना सर्वेंट रूम है वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ का दिया हुआ है, तो आप उसको प्रॉपर एक एक्चुअली रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा गाइस बिल्डर की क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ट्यूलिप ग्रुप ने स्ट्रेस प्रोजेक्ट उठाया था, 500 करोड़ रुपये डाउन पेमेंट करके कोई लोन नहीं रेस किया था, तो वन ऑफ द फ्यू ग्रुप्स विद अ पॉजिटिव फंड फ्लो, ठीक है, विच डजंट हैव एनी डेट, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका बिल्डर की क्रेडेंशियल भी अच्छी है। लोकेशन जब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा गाइज, अगर आप 5 साल पहले यहाँ पे आए होते, ठीक है, SPR रोड पे, तो और आज आओगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में फ़र्क मिलेगा। तो उसी तरीके से 5 साल बाद तो ये एरिया और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, तब तक साइबर सिटी की बिल्डिंग भी कुछ शेप ले चुकी होंगी, IMEX का ऑफिस तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ठीक है, और एलिवेटेड रोड आपकी बन चुकी होगी CPR रोड और SPR के बीच में आपका वाटिका चौक के बीच में, तो उससे भी आपको एक बहुत और कनेक्टिविटी इस एरिया की अच्छी हो जाएगी और यहाँ पे हैबिटेशन आ जाएगी, ऑलरेडी हैबिटेशन है ही इस एरिया में। ठीक है, उसके अलावा गाइज अगर आप मेरे से पूछोगे ना प्राइसिंग वाइज भी आज की डेट में जिस प्राइस पे नए लॉन्चेज आ रहे हैं उस हिसाब से इस लोकेशन के लिए प्राइस भी इसका ठीक है। पहले 3 टावर इनके 95% सोल्ड आउट हैं, ठीक है, फॉर द 4th टावर दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग AOIs, उसके भी अलॉटमेंट जल्दी होंगे बिकॉज इसमें आधी यूनिट्स हैं जो कि आपकी ईस्ट फेसिंग हैं, तो उनकी थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा रहती है अलॉटमेंट में, ठीक है, PLC देनी पड़ती है, बट स्टिल पीपल प्रेफर टू बाय द ईस्ट फेसिंग यूनिट।
उसके अलावा गाइज अगर मैं आपसे बात करूँ चैलेंजेस की ना, तो चैलेंजेस में गाइज मेरे को आई वुड से मोटा मोटा दो ही चैलेंजेस लगे। पहला चैलेंज तो ऐसा है जिसके बारे में मैं कई बार यू नो ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आज की डेट में सारे के सारे लाइसेंस ही आपके ना गवर्नमेंट TOD के लाइसेंस दे रही है, तो उस हिसाब से यू नो 5 करोड़ के अपार्टमेंट में भी 75 यूनिट्स पर एकर डेंसिटी में भी थोड़ा सा ज़्यादा है। सामने सिग्नेचर टाइटेनियम में इससे काफ़ी कम डेंसिटी है, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, बट ऑब्वियसली सिग्नेचर का अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उस टाइप की कोई डेवलपमेंट का, जैसा कि ट्यूलिप में हमें ऑलरेडी यू नो मॉन्सेला में दिख रहा है। उसके अलावा गाइज एक और प्रॉब्लम है जो मैं पहले भी अपने पिरामिड के रिव्यू में बता चुका हूँ, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ना, मतलब प्रोजेक्ट की साइट के अंदर तो नहीं है बट पास में ना हाई टेंशन वायर्स मेरे को SPR रोड पे ना बड़ी क्या कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। आई डोंट नो, वैसे तो बिल्कुल पास में नहीं है बट एक विसिनिटी में कई लोग शायद यू नो हाई टेंशन वायर को लेके लोगों को कुछ कंसर्न हो सकता है। ये प्रॉब्लम आपकी सेक्टर 36 में भी है, CPR रोड पे, SPR रोड पे भी है, ट्यूलिप के प्रोजेक्ट में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। लेकिन उसके अलावा गाइज अगर आप देखोगे ना, एक एंड यूज़र को जो 4-5 साल वेट कर सकता है पोजेशन के लिए, जिसको बड़ा कारपेट एरिया चाहिए, जिसको 60 मीटर रोड पे प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट के पास चाहिए और एक ट्रस्टेड बिल्डर का चाहिए, वो बंदा ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली कंसिडर कर सकता है। और दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई दिस प्रोजेक्ट हैज़ सीन अ लॉट ऑफ यू नो ट्रैक्शन इन द मार्केट, इवन दो द मार्केट हैज़ बीन स्लाइटली म्यूटेड इन द लास्ट क्वार्टर और सो। तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू चेक, यू नो इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इस प्रोजेक्ट को यू नो इतना पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से गाइज यू नो आई ट्राई टू कीप अ क्लोजर आई ऑन आपका जो भी SPR के सेक्टर्स हैं 69 से लेके 76 तक, इस एरिया की मैं यू नो आपके लिए आने वाले हफ्तों में भी कुछ कवरेज लेके आऊँगा। आप लोग जैसे हमें सपोर्ट करते रहे हैं पहले, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन आर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।